गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट क्लास वी हैड रीड द टॉपिक ऑफ दिवाली. लास्ट क्लास में हमने टॉपिक दिवाली का पढ़ा था जो कि है रिलीजियस फेस्टिवल में आता है. एंड नेक्स्ट जो रिलीजियस फेस्टिवल जो फेस्टिवल है जो जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल में दैट इज़ गुरु पर्व. ओके, गुरु पर्व की आज इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे. गुरु पर्व इज़ द फेस्टिवल ऑफ द सिख्स. जो गुरु पर्व है, जो फेस्टिवल है, वो किसका फेस्टिवल होता है? सिख्स का होता है. सिख, जिनको हम पंजाबी भी मोस्टली बोलते हैं, तो जो सिख्स होते हैं उनका मेन फेस्टिवल होता है गुरु पर्व. इट इज़ द सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ द सिख गुरुज. जो सिख गुरुज थे उनका जो बॉर्न हुआ था उन्हीं के मार्क पे, मतलब उन्हीं के खुशी में क्या करते हैं, ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे द सिख्स गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स. इस दिन जो सिख्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं किसके लिए, प्रार्थना करने के लिए. रिलीजियस प्रोसेशन आर टेकन आउट टू मार्क द ओकेशन. एंड इस ओकेशन पे मींस इस जो ओकेशन होता है, मतलब ये जो अवसर पर क्या होता है, जो रिलीजियस प्रोसेस होता है, मतलब इस ओकेशन में क्या होता है, जो मार्क करने के लिए उनके खुशी के लिए क्या करते हैं, रिलीजियस प्रोसेस मतलब प्रोसेशन होता है. रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक और प्रोसेशन होता है मतलब जुलूस. तो इनकी खुशी में क्या करते हैं, धर्म का जुलूस निकालते हैं, रिलीजियस जुलूस निकाला जाता है. एंड क्या करते हैं, गुरुद्वारा आर डेकोरेटेड विथ लाइट. जो गुरुद्वारा होते हैं उनको लाइट से, द कलरफुल, बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट से क्या करते हैं, सजाया जाता है. डेकोरेट मीन्स सजाया जाता है. लंगर आर हेल्ड इन द गुरुद्वारास. एंड गुरुद्वारास में क्या करता है, लंगर मीन्स वहाँ खाना खिलाया जाता है. वो क्या किया जाता है, वो हेल्ड किया जाता है, आयोजित किया जाता है. एंड आल्म्स आर गिवन टू द पुअर. एंड आल्म्स मतलब भिक्षा, और जो गरीब होते हैं उनको भिक्षा दी जाती है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिसमस, जिसको रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर इंक्लूड किया जाता है. वो नेक्स्ट है क्रिसमस. क्रिसमस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियन. जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, जो ईसाई जो रिलीजन्स को मानते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो उनका क्या होता है, क्रिसमस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फेस्टिवल होता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th December एवरी ईयर. इसे जो क्रिसमस होता है उसको हर साल एवरी ईयर 25th December को, मतलब 25 December को सेलिब्रेट करते हैं. द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. जो जीसस क्राइस्ट थे, मतलब जो क्रिश्चियन है उनके जो भगवान है जीसस क्राइस्ट, उनका इस दिन जन्म हुआ था. उन्हीं की खुशी पे क्या होते हैं, ये उनका क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. क्रिसमस ट्री आर डेकोरेटेड एट होम्स. जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं उनको क्या करते हैं, घरों पर डेकोरेट सजाया जाता है. पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स. और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चर्च जाते हैं, किस लिए, वहाँ यीशु मसीह हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनसे प्रेयर करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए. एंड सिंग कैरल्स, और वो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं. सेंटा क्लॉज गिव्स गिफ्ट टू द चिल्ड्रन. एंड जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो सभी को क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ ईदुल्फितर. ईदुल्फितर जो फेस्टिवल होता है वो मुसलमानों का, ठीक है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनका मेन फेस्टिवल होता है. इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स. जो मुस्लिम्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है. इट कम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान. और ये रमज़ान, और ये जो रमज़ान का जो होली मंथ होता है, होली मीन्स पवित्र, होली है ना, होली मीन्स होता है पवित्र मंथ, ठीक है. तो जो पवित्र मंथ, पवित्र मतलब बहुत ही होली जो मंथ होता है रमज़ान के, होली मंथ के बाद के लास्ट में क्या होता है, ये फेस्टिवल आता है. ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लॉथ एंड गो टू द मॉस्क टू ऑफर नमाज. और इस दिन क्या करते हैं, लोग नए नए कपड़े पहनकर क्या करते हैं, मॉस्क मतलब मस्जिद जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए. दे ग्रीट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक. और वे एक दूसरे को क्या करते हैं, ईद मुबारक करके बधाई देते. ग्रीट मीन्स बधाई देते हैं, क्या कहकर, ईद मुबारक कहकर एक दूसरे को गले लगते हैं एंड इस फेस्टिवल की बधाइयाँ देते हैं. सेवाइयाँ इज़ द स्पेशल डिश ऑफ ईद. ईद इज़ गिवन टू चिल्ड्रन. और जो सेवाइयाँ होती है वो, जब ईद उल फितर जो ये फेस्टिवल आता है, इस फेस्टिवल का मेन जो डिश होता है, स्पेशल डिश क्या होता है, सेवाइयाँ होता है. एंड ईद इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन. और बच्चों को ईदी दी जाती है, ईदी के तौर पर पैसे, गिफ्ट जो भी दिए जाते हैं.
बिसाइड दिस सम अदर फेस्टिवल आर गणेश चतुर्थी, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती. और इन फेस्टिवल्स के अलावा रिलीजियस फेस्टिवल में और कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं? फेस्टिवल जैसे गणेश चतुर्थी आता है, हम क्या करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना, 11 दिन हम गणपति पप्पा को रखते हैं एंड उनकी पूजा करते हैं, वो भी रिलीजियस फेस्टिवल में आता है. बुद्ध जयंती आता है एंड महावीर जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं. सो जैसे कि आप लोग पढ़े दशहरा, दिवाली, ये सब क्या होता है, हिंदूज के फेस्टिवल होते हैं. एंड गुरु पर्व क्या होता है, सिख का फेस्टिवल होता है. क्रिसमस जो ईसाई होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, उनका फेस्टिवल होता है. ईद उल फितर क्या होता है, मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है. तो ये क्या होता है, रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं. अलग अलग जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल. इन लास्ट क्लास हमने पढ़ा कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेशनल फेस्टिवल. 3 काइंड्स के फेस्टिवल होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, सो नेशनल फेस्टिवल में कौन कौन सा आता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. ये तीनों नेशनल फेस्टिवल्स आप याद रखेंगे. एंड नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल मतलब जो जिस धर्म को मानता है, उस धर्म का जो लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, उसके लिए. जैसे जो दशहरा और दिवाली है वो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, जो गुरु पर्व है वो सिख सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस जो होता है वो क्रिश्चियन ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है. एंड ईद उल फितर क्या होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है. सो थर्ड हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल. फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ क्रॉप सीजन आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल. जो फेस्टिवल्स मतलब वो फेस्टिवल जो क्रॉप सीजन के एंड में, ठीक है, क्रॉप सीजन का जो एंड होता है, क्रॉप मींस जो फसल होते हैं, उन मौसम के लास्ट में मनाया गया जो फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है. ठीक है, जो क्रॉप सीजन जब एंड होता है एंड उसके दौरान जब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है. सो डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट सीजन. क्या होता है, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर, अलग अलग मौसम पर, अलग अलग फेस्टिवल क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर, और उसमें से कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं. सो फर्स्ट इज होली. होली जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, होली कलरफुल क्या होता है, एक कलर्स का फेस्टिवल होता है. इस दिन क्या करते हैं, हर एक दूसरे पर कलर लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. सो होली आपको सभी को पता होगा. सो इसके बारे में पढ़ेंगे. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर. जो होली है वो रंगों का त्यौहार होता है. फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स मतलब कलर्स का फेस्टिवल है, रंगों का त्यौहार है. इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन. ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, विंटर सर्दियों का जो मौसम होता है, जो विंटर सीजन जब एंड होता है, ख़त्म होता है, तो उनके लास्ट में सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू द मार्क ऑफ द विक्ट्री टू गुड और इवन. और इसको इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि बुराई पर जब अच्छाई की जीत होती है, उसकी खुशी पर भी क्या होता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड अप्लाई गुलाल ऑन ईच अदर. पीपल एक दूसरे पर कलरफुल रंग मतलब रंग बिरंगे कलरफुल पानी एक दूसरे पर फेंकते हैं एंड एक दूसरे पर गुलाल अप्लाई करते हैं, मतलब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं. दे ऑल्सो सिंग एंड डांस, और वे सभी डांस भी करते हैं एंड गाना भी गाते हैं. अ स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. और इस दिन दिवाली के दिन एक मीठा डिश बनाया जाता है जिसको गुजिया बोला जाता है. तो होली में जो मेन डिश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गुजिया होता है. सो नेक्स्ट इज पोंगल. पोंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. जो पोंगल सेलिब्रेट करते हैं वो तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु में जो रहते हैं लोग, उनका जो रहता है मेन फेस्टिवल होता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी आफ्टर राइस इज हार्वेस्टेड. क्या होता है, ये राइस क्रॉप की जब कटाई के बाद जनवरी में मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 डेज. ये जो फेस्टिवल होता है पोंगल, इसको 4 डेज के लिए 4 दिन तक मनाया जाता है. द फर्स्ट डे इंद्र इज वर्शिप्ड. फर्स्ट डे क्या करते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं एंड सन गॉड
इन सन गॉड इज वॉर्शिप्ड ऑन द सेकेंड डे. फर्स्ट दिन क्या करते हैं, इंद्र भगवान की, जो इंद्र जो गॉड है उनकी पूजा करते हैं. एंड सेकेंड डे क्या करते हैं, जो सन जो गॉड है हमारे, सूर्य भगवान है, उनकी पूजा करते हैं. ऑन थर्ड डे द मदर काउ इज वॉर्शिप्ड. एंड जो तीसरे दिन क्या करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं. एंड जो लास्ट डे होता है, ऑन द लास्ट डे, जो फोर्थ डे होता है लास्ट डे, तो पीपल गो टू फॉर पिकनिक. और इस दिन जो लोग हैं वो पिकनिक के में बाहर जाते हैं. सो फर्स्ट डे क्या करते हैं, वो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं. सेकेंड डे वो सन की पूजा करते हैं, सन गॉड की पूजा करते हैं. थर्ड डे वो मदर काउ की पूजा करते हैं. एंड फोर्थ डे वो पिकनिक जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज ओनम. ओनम भी क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला का जो ओनम है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, कंफ्यूज नहीं होंगे. पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. एंड जो ओनम है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. इस सेलिब्रेटिंग इन अगस्त और सेप्टेम्बर. ये जो फेस्टिवल है वो अगस्त और सेप्टेम्बर में सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. और ये जो फेस्टिवल होता है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं. हाउसेज आर डेकोरेटेड, पीपल वेयर न्यू क्लॉथ, सिंग एंड डांस, ह्यूज प्रोसेशन विद डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर टेकन आउट. घरों को क्या किया जाता है, डेकोरेट सजाया जाता है. जो लोग होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं. और ह्यूज प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन होता है जुलूस. ठीक है, बहुत लोगों की जो गैदरिंग होती है, बहुत लोग एक साथ निकलते हैं, तो बहुत बड़ा क्या होता है, क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेशन मतलब जुलूस निकलता है, जिसमें एलिफेंट्स को, जो हाथी होते हैं, उनको अच्छे से डेकोरेट करके, उनको सजाकर बहुत ही बड़ा क्या करते हैं, प्रोसेशन जुलूस निकालते हैं. स्नेक बोट रेस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम. और जो स्नेक बोट होता है, जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं, जो स्नेक बोट होता है इसमें क्या होता है, ये ओनम का मेन अट्रैक्शन होता है. ओनम के दिन रेस बोटिंग होती है. ओके, जो बहुत ही ज़्यादा ऑल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. एंड ये बिग अट्रैक्शन, इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. सो नेक्स्ट क्लास, जो जब नेक्स्ट क्लास होगा, हम जो टॉपिक है बैसाखी, वहां से स्टार्ट करेंगे. ओके.